दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है सीमेंस की तरफ से। तो गाइस, ये जो कंपनी है आप लोग की टॉप एमएनसी कंपनी है। साथ ही देखिए, इलेक्ट्रिकल वाले जो स्टूडेंट हैं आप लोग, इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांच के लिए मैं यही बोलूँगी, ये कंपनी सबसे ज़्यादा बेस्ट कंपनी है। क्योंकि यहाँ पर गाइस आप लोग का इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वर्क ज़्यादा होता है। साथ ही देखिए, इलेक्ट्रिकल में PLC सीखने को मिलता है, ऑटोकैड मिलता है। तो इसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं ऑटोकैड और PLC के ऊपर। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को अगर आप ट्रेनिंग भी करते हैं, अप्रेंटिस भी करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी प्रॉफिट रहता है। साथ ही देखिए, यहाँ पर एक इनका कोर्स भी होता है जो ये सिखाते हैं, इनकी मेन साइट पर आप लोग को मिल जाएगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए जॉब की, तो जॉब आप लोग को यहाँ पर किस तरीके से मिलेगी वो देखिए। साथ ही यहाँ पर देखिए, ऑल इंडिया आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग इंडिया में कहीं से भी हैं, आप लोग यहाँ पर ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करूँगी मैं आप लोग की क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिप्लोमा, अगर आप BE हैं, या फिर अगर आप BTech हैं, या फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं, या आप लोग ITI हैं, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 2022 बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। साथ ही देखिए, यहाँ पर दो जो है आप लोग फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मेल और फीमेल कैंडिडेट, अगर आप यहाँ पर मेल हैं और फीमेल हैं, यहाँ पर दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं गाइस। और यहाँ पर देखिए, वॉक इन इंटरव्यू भी होता है, बट मैं आप लोग को बता दूँ गाइस, वॉक इन इंटरव्यू में ज़्यादा चांसेस रहते हैं आप लोगों के सेलेक्ट होने के। क्योंकि गाइस, आप लोग जो है सामने बैठे हुए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग के इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आप लोग को सेलेक्ट किया जाता है। बट ऑनलाइन के अकॉर्डिंग आप लोग की, जब तक आप लोग का जो रिज्यूम है अच्छा नहीं होगा या फिर प्रोफाइल अच्छी नहीं होगी, तो आप लोग वहाँ पर शॉर्टलिस्टेड नहीं किए जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग अपनी जो भी प्रोफाइल है और अपना जो भी बायोडाटा भरते समय आप लोग रिज्यूम को अच्छे से अच्छा यहाँ पर तैयार कर लें। देखिए, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे आप लोग, यहाँ पर ब्राउज़र पर सर्च करेंगे सीमेंस। सीमेंस सर्च करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप लोग सर्च करेंगे जॉब्स। तो गाइज, यहाँ पर आप लोग को ये जो ऑप्शन दिख रहा है जॉब्स का, इस ऑप्शन पर आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ये जो ऑप्शन है, देखिए मैं जिस ऑप्शन पर बता रही हूँ वहीं पर करना है। आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आप लोग क्लिक करने के साथ साथ आप लोग का एक टैब ओपन हो जाएगा। ये टैब आप लोग को जो है अपॉर्चुनिटी पर आप लोग को पहुंचा देगा। देखिए, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आप लोग को देखने के लिए मिल रही है, जैसे आप लोग का यहाँ पर लोकेशन। लोकेशन में आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी ऑल यहाँ पर जो है कंट्री की दिखाई दे रही है आप लोग को। तो यहाँ पर आप लोग सर्च कर लेंगे इंडिया, तो इसलिए इंडिया आप लोग यहाँ पर सर्च कर लेंगे, जिससे आप लोग यहाँ पर इंडिया की जो है जॉब शो होने लगेगी। साथ ही देखिए, यहाँ पर लोकेशन, आपको जिस भी लोकेशन की जॉब चाहिए वहाँ पर आप लोग इसको क्लिक कर देंगे। अब देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर फिल्टर दिया गया है जॉब फैमिली, किस टाइप के आप लोग को जॉब चाहिए, मार्केटिंग में, सेल्स में, या फिर अदर किसी डिपार्टमेंट में, तो वो यहाँ पर आप लोग अप्लाई करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर, यहाँ पर देखिए सबके आगे लिखा हुआ है किसके लिए कितनी सारी जॉब वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। तो आप लोग जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, तो आप लोग की जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड यहाँ पर जॉब आ जाएंगी। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आप लोग फ्रेशर हैं, फ्रेशर कर लेंगे, जो भी आप लोग के पास एक्सपीरियंस है वो कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग के लिए डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस तक आप लोग जॉब करना चाहते हैं, जैसे आप लोग ऑल इंडिया अप्लाई कर रहे हैं, या फिर ऑल इंडिया में कहीं पर भी जॉब है आप लोग जा सकते हैं, तो आप लोग यहाँ मेल्स में कर सकते हैं क्लिक। साथ ही देखिए, अगर आप किलोमीटर, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते अपने होम से, किलोमीटर में जाना चाहते, तो इस पर क्लिक करेंगे तो उतनी ही दूरी की, मतलब उतनी ही डिस्टेंस की आप लोगों को जॉब देखने के लिए मिलेगी। या फिर उससे कम जाना चाहते तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पर काफ़ी सारी जॉब्स देखने के लिए मिल जाएंगी। देखिए, ये आप लोग का फर्स्ट पेज है, और यहाँ पर कई ऐसे टैब यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए, यहाँ पर 10 पेजेस यहाँ पर दे रखे हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें हम, तो आप लोग की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी आप लोग की वैकेंसी है, देखिए यहाँ पर आप लोग की वैकेंसी पोस्ट आउट की गई है।
या फिर 7 मार्च को की गई है, ये आप लोग की 7 मार्च को की गई है, ये 8 मार्च को की गई है, ये 7 मार्च को की गई है। इसी प्रकार से यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आई हुई है। अब यहाँ पर देखिए टेक्नोलॉजी के लिए आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निकल फील्ड वाले सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बेंगलुरु आप लोग की लोकेशन रहेगी, बेंगलुरु कर्नाटका यहाँ पर लोकेशन रहेगी। अब देखिए इसका हम लोग यहाँ पर जो है आप लोग का इंटरव्यू की बात करते हैं, तो गाइस मैं आप लोग को लिए बता देती हूँ यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, बट आप लोग इसके मेन करियर पेज पे जाएंगे, वहाँ से इनकी लिंक्डइन साइट पर जाएंगे और इनके एचआर को फॉलो करेंगे, तो जितनी भी वो जॉब्स डालते हैं वहाँ से आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि इनके जितने भी इंटरव्यू होते हैं वो इनका रिटन टेस्ट होता है पहले, रिटन टेस्ट के बाद आप लोग का एचआर इंटरव्यू होता है। तो इस तरीके से आप लोग का सिलेक्शन होगा, यहाँ से आप लोग की जो है प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड की जाएगी। साथ ही देखिए रिसर्च इंजीनियर के लिए आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और टेक्निकल एक्सपर्ट में एक्सपीरियंस वाले यहाँ पर अप्लाई करेंगे। साथ ही देखिए थोड़ा स्क्रॉल करेंगे लीड रिसर्च इंजीनियर में, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग किसी अदर लोकेशन के लिए यहाँ पर सर्च कर लेंगे, लोकेशन हम लोग यहाँ पर कोई भी सर्च कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप लोग यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं, बेंगलुरु कर्नाटका या फिर अदर आप लोग कोई भी लोकेशन सर्च कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप लोग यहाँ पर रिसेंटली में यहाँ से भी कर सकते हैं, जो भी आप लोग को करना है अब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सर्च कर लेंगे। अब मैं आप लोगों को एक जॉब यहाँ पर डिटेल में बता देती हूँ किस तरीके से आप लोग को फिलअप करना है। देखिए मैं यहाँ पर आप लोग को बता रही हूँ टेक्निकल एक्सपर्ट की अप्लाई करने के लिए अप्लाई लिंक नाउ यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से कर लीजिए। मैं देखिए यहाँ पर जो लेटेस्ट वाली है वो बता देती हूँ, ये जो है 2021 में आई हुई है, तो गाइस देख सकते हैं ये हमारी लेटेस्ट में आई हुई है, तो हम इनके लिए कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करते ही आप लोग का एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, इस तरीके का टैब ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले कभी सीमेंस में अप्लाई किया है तो आप लोगों को वही ईमेल आईडी और पासवर्ड भर देना है, अगर नहीं किया है या फिर आप अपना आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो आप लोगों को न्यू यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और इस चीज़ का ध्यान दें, पहले कभी आपने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है तो आप लोग को उस ईमेल आईडी से यहाँ पर अगेन रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि गाइस आपकी जो ईमेल आईडी है वो इनवैलिड हो जाएगी, इसीलिए आप लोग किससे करेंगे, दूसरी ईमेल आईडी से यहाँ पर करेंगे। न्यू यूज़र पर क्लिक कर देंगे, ये आप लोग यहाँ पर देखिए प्राइवेसी पॉलिसी दे रखी है, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे आप लोग यहाँ पर ईमेल डालेंगे, आप लोग ईमेल डालने के बाद आप लोग पासवर्ड कैसा चूज करेंगे आप लोग मैं बता देती हूँ। पासवर्ड आप लोग इस तरीके का डालें जैसे आप लोग के सभी यहाँ पर कैरेक्टर मतलब वर्ड्स आ सके, जैसे आप लोग की कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट, काउंटिंग, साथ में स्पेसिफिक लेटर, जैसे आप लोग के हैज़ हो गया, एट द रेट हो गया, पॉइंट हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर ज़रूर से मेंशन करें। देन आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद लास्ट नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जो भी आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देखिए जो भी आप लोग को आती है हिंदी इंग्लिश यहाँ पर जो भी है, देखिए इंग्लिश आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके अब उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे आप लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, देन आप लोग रजिस्टर कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग करने के बाद आप लोग रजिस्टर हो जाएंगे और आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग अपना बायोडाटा फुल अप करके आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।